नमस्कार, मैं आशीष हूँ अमर उजाला से और इस वक्त हूँ मैं निरंजन पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज के साथ। स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज बीते लंबे समय से देश में सनातन की बात करते आए हैं और देश में सनातन के साथ साथ देश की सियासत को भी बहुत करीब से समझते हैं। क्या समझते हैं वो देश की सियासत और सनातन को, खासतौर से हाल में हुए तमाम उन विवादों के साथ क्या ये अपना व्यू पॉइंट रखते हैं, किस तरीके से चीजों को आगे देखते हैं, हम उन सारी चीजों बात करते हैं कैलाशानंद जी से। सर स्वागत है आपका amarujala.com में। धन्यवाद सर। एक जो सबसे बड़ी घटना, बहुत दुखद घटना, हम उससे सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी हाथरस में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ, आपने देखा, सत्संग चल रहा था और सत्संग में बहुत सारे लोग, तकरीबन 125 लोग मारे गए। आपको क्या लगता है कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं ये कितनी दुखद हैं और किस तरीके से इनको मैनेज किया जा सकता था? आशीष जी, बिल्कुल सही बात कही आपने कि कुछ ऐसे जो लोग हैं जिनके माध्यम से सनातनियों को, क्योंकि सनातन के जो अनुयायी हैं वो निस्संदेह बहुत छल कपट वाले नहीं होते हैं और उनको पता नहीं चल पाता है कि कौन महात्मा है, कौन महात्मा नहीं है, कौन साधु है, कौन साधु नहीं है, किसके द्वारा हमें क्या मिल सकता है, जो भोली भाली जनता है। मैं कह रहा हूँ कि जिनके द्वारा वहाँ सत्संग हो रहा था, क्योंकि हम लोगों के संज्ञान में पहली बार ये बात आई, पहली बार उनका नाम आया कि कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो कथाकार है, स्वयं को महादेव का अवतार कहता है कि मैं महादेव का अवतार हूँ। तो मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ किसी साधु के रूप में, किसी व्यक्ति के रूप में महादेव का अवतार नहीं होता। हम सब महादेव के अनुयायी हैं, हम सब उनके सेवक हैं, सेवक हैं, हम कभी महादेव नहीं हो सकते, एक बात। दूसरी बात, परंपरागत है, परंपरागत जो व्यक्ति जीवन में आता है वही साधना को समझ सकता है, वही संदेश को समझ सकता है, वही परमात्मा के उस तथ्य को समझने में सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर सकता है। जिनके द्वारा सत्संग हो रही थी, मुझे पता लगा कि उनके चरण रज लेने के लिए 125 के करीब लोग हताहत हुए और 125 लोगों की जाने गई। जी, मैं सरकार से भी, प्रशासन और शासन से भी निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ऐसे लोग जब भी कोई सत्संग कहीं करे तो इनकी पूरी पहले जांच पड़ताल हो कि ये कौन है, करने वाला कौन है, उस व्यक्ति का इतिहास क्या है, उनका चरित्र क्या है और उनके जो पीछे का जीवन है वो क्या है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ऐसे लोग कहीं न कहीं सनातन परंपराओं को लांछित करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। आपको लगता है जिस तरीके से वहां पे कार्यक्रम हुआ, जिस तरीके से वहां पर एक जो अपने को सत्संग करने वाले बताते हैं, उनके बारे में कहा जाता है, जो आपने अभी चर्चा की और पहले भी था, कि वो खुद को शिव का अवतार मानते हैं और भोले बाबा के नाम से प्रचारित किए जाते हैं, तो आपको लगता है कि इस तरीके के और भी लोग, और खासतौर से उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए? चूंकि जितने भी लोग वहां पे आए, चूंकि मैं खुद मौके पर गया था, मैं हाथरस में था, मैंने देखा वहां पर जो लोग आए थे वो बिल्कुल गरीब थे, मतलब उनके पढ़ाई लिखाई का और दूसरा उनका जो उनकी पूरी आजीविका थी वो उस तरीके की नहीं थी कि वो बहुत ज्यादा चीजों को समझ सकते। ये वहां पे जांच करने वाले लोग और जांच कमेटियों ने भी इस बात का जिक्र किया है कि वहां पर आए हुए लोग बहुत इकोनॉमिक वीकर थे। तो आपको लगता है कि ऐसे लोगों को क्या मैसेज दिया जाना चाहिए, भाई वो किस तरीके से सत्संगों में जाएं या जाएं तो किस तरीके से चीजों को देखें? मैं अपने उन सभी सनातनी बंधुओं से कहना चाहूंगा, आचार्य होने के नाते, एक देश के प्रमुख अखाड़ों के आचार्य होने, अखाड़े के आचार्य होने के नाते, कि जो सनातन परंपरा है उस सनातन परंपरा को सही तरीके से पहचानें, सही तरीके से उसको जानें, सही तरीके से उसको समझें, उसके बारे में पढ़ें। हजारों ग्रंथ हैं सनातन से संबंधित, ग्रंथ को पढ़ें कि ग्रंथ में कौन सा साधु अनुकरणीय है, कौन सा साधु कैसा होता है, संन्यास परंपरा से है, वैष्णव परंपरा से है, निर्मल परंपरा से है, उदासीन परंपरा से है, वारकरी परंपरा से है, या निम्बार्क परंपरा से है, आचार्य परंपरा से है, किस परंपरा से है जी। किस परंपरा से है, मेरा कहने का तात्पर्य कि कोई भी व्यक्ति अगर ये कह दे कि मैं महादेव का अवतारी हूँ और मैं महादेव का दर्शन कराऊंगा, तो निस्संदेह ये समझना चाहिए कि आपको छला जा रहा है।
आपको लगता है जिस तरीके से वहां पे कार्यक्रम हुआ, जिस तरीके से आपने बताया कि उनको छला जा रहा है, आपको लगता है इस मामले में कड़ी कार्रवाई होगी? आप आश्वस्त हैं इस पूरे मामले में? बिल्कुल, मैं आश्वस्त भी हूं और मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा। अयोध्या का जब राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होकर के भगवान रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस दिन भारत ही नहीं दुनिया का कौन ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति था जो सनातनी हो और वहाँ उपस्थित न हुआ। उस दिन राममय था, देवमय प्रतीत हो रहा था, क्योंकि हम सबसे आगे बैठने का सौभाग्य मिला था और हम सबसे पहले दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला था। तो इसलिए मैं अयोध्या वासियों को, क्योंकि अयोध्या से मेरा बहुत अच्छा संबंध है, और अयोध्या वासियों से मैं इस प्रकार आग्रह करना चाहूँगा कि अयोध्या वासी न सर्वे जगन्नाथ मूर्तयः, अयोध्या के जो वासी है वो जगन्नाथपुर की मूर्ति के समय, इसलिए उनसे आग्रह ही किया जा सकता है, उनको धमकाया या उनको उसको कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कि आपने जिसको जुटाया है उससे कहो कि रामलला का उपासक बनो, राम का उपासक बनो, जय सियाराम बोलो, जय सियाराम पर विरोध न करो, हनुमानगढ़ी का दर्शन करो। एक बार जीत जाना कोई बड़ा विषय नहीं है, बने रहना बड़ा विषय है। इसलिए आप जो है उन सनातनियों को, सनातनियों का चयन करो, सनातन की परंपरा, क्योंकि मैं सनातनी हूँ, मैं केवल सनातन की बात करूँ, मैं दूसरे धर्म का विरोधी भी नहीं, मैं दूसरे धर्म का विरोधी भी नहीं हूँ, लेकिन मैं पक्षधर भी नहीं, मैं अन्य धर्म का विरोधी भी नहीं हूँ, पक्षधर भी नहीं, मैं सनातनी हूँ, कट्टर सनातनी हूँ, सनातनी सनातन का आचार्य हूँ, सनातन में ही रहूँगा, सनातन में ही जीऊँगा, सनातन में ही मरूंगा, सनातन मेरी भगवती माँ काली, मेरे महादेव, मेरी गंगा मैया, मेरे गणेश जी, मेरे हनुमान जी, राम जी, मेरे नारायण, मेरे महादेव हमारे आराध्य देवता है, माता पिता गुरु राष्ट्र और भगवान का स्वरूप, आचार्य होने के नाते स्वयं ईश्वर के समान, लेकिन ईश्वर का ईश्वर का सेवा। इसलिए अयोध्या वो अयोध्या जिसमें भगवान राम का आगमन, मुझे लगता है 500 वर्षों बाद अयोध्या का जीर्णोद्धार, 500 वर्षों बाद अयोध्या में तेजोमय अवसर आया, अयोध्या की दिव्यता और भव्यता बढ़ी, अयोध्या में ओज और तेज आया, श्री तो आई ही लेकिन ओज और तेज भी आया। इतना सब होने के बाद अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हार गई, आपको लगता है कोई खास वजह? मुझे लगता है कुछ ऐसे लोग थे जिनके छोटी छोटी दुकानें थी, जिनका छोटा छोटा व्यवसाय था, जिनके छोटे छोटे स्वार्थ थे, उनका कार्य सिद्ध नहीं हुआ, उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, या उनको अनुकूल सुविधा नहीं मिला, उनको अनुकूल व्यवस्था उनको नहीं मिल पाई किसी भी प्रकार से, जो राजकीय व्यवस्था है उस कारण भी नुकसान हो सकता है। कुछ ऐसा भी हुआ कि कुछ लोग जो ऐसे लोग थे जिन्होंने, मैंने सुना कि अयोध्या में इन्होंने अच्छा नहीं किया, इन्होंने अच्छा नहीं किया, मैं कह रहा हूँ कि हम छोटे छोटे स्वार्थ में ना जाएं, हम धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की परंपराओं को संवारने के लिए, धर्म की परंपराओं की नींव को मजबूत करने के लिए हम स्वयं का स्वार्थ न देखें, स्वयं का स्वार्थ न देखें और हमारी नींव कैसे मजबूत रहेगी। आज बहुत लोग कहते हैं कि मैं अल्पसंख्यकों के लिए काम करूँगा, मैं अल्पसंख्यकों का समर्थक रहूँगा, हिंदू जो है वो हिंसावादी है, हिंदू जो है वो असत्य भाषण करने वाले लोग हैं, मैं कह रहा हूँ कभी उनके पक्षधर हम लोग नहीं हो सकते, हम तो सनातनी हैं। सनातन में आज लगभग 127 करोड़ लोग कैलाशानंद गिरी के अनुयायी हैं पूरी दुनिया में, उन 127 करोड़ लोगों में से एक भी गैर हिंदू नहीं है। हम धर्म की बात क्यों करें, अन्य धर्म की बात क्यों करूँ, हमारे महादेव की पूजा में, हमारे शिव जी की पूजन में, हमारे माई की पूजन में, हमारे भंडारे में, हमारे गंगा स्नान में, हमारे आश्रम में जो लोग आते हैं, मैं सरकार से भी निवेदन करूँगा, मैं सरकार से भी, क्योंकि हमारे योगी आदित्यनाथ जी स्वयं महात्मा है और हमने कभी नहीं सुना, क्योंकि जो नाथ परम्परा है, जो आचार्य परम्परा है, संन्यास परम्परा है, वैष्णव परम्परा है, वैरागी परंपरा है, निर्मल परंपरा है, उदासीन परंपरा है, ये सब परंपरा इतने मान्य परंपरा है कि इस परंपरा में पाखंड होता ही नहीं, पाखंड है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ पाखंडियों को निसंदेह बख्शा नहीं जाना चाहिए, पाखंडियों को सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो इनके द्वारा ही आज बहुत सारे, कुछ दो तीन दशक से
दो तीन दशक से सनातन वैसे ही बहुत कमजोर होता जा रहा है कुछ तथाकथित साधुओं के कारण। आप आचार्य जी लगातार सनातन को लेकर के देश दुनिया में प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं, आपको लगता है कि किस तरीके से खासतौर से जैसे ये अभी हाल की घटना हुई या पहले भी बहुत सारी चीजें हुई उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं और क्या आपके लिए आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से उसको आप प्रचारित प्रसारित करने वाले हैं? देखिए मैं तो इस पे काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा, मैं बोलता हूँ बोलता रहूँगा कि देश में जो मान्य साधु हैं उनके द्वारा ही परंपरा का निर्वहन हो सकता है। जो स्वयंभू शंकराचार्य हैं, जो स्वयंभू लोग हैं, जो स्वयंभू साधु हैं, जो स्वयंभू कथावाचक हैं, जो स्वयंभू स्वयं को स्वयंभू मान करके स्वयं भगवान का अवतारी मानते हैं, निसंदेह उसका एकमात्र धंधा है धन कमाना, एकमात्र धंधा है पैसे कमाना, एकमात्र धंधा है स्वयं को पूजवाना, स्वयं को पूजवाना। और ऐसे ही लोगों के द्वारा ऐसी घटनाएं होती है तो सरकार को निसंदेह कड़ी से कड़ी कार्यवाही सेवकों के ऊपर नहीं, व्यवस्थापकों के ऊपर नहीं, जो वहां का मठाधीश है, जो स्वयं को मठाधीश कहता है, स्वयंभू मठाधीश है, तथा कथित मठाधीश है, उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए जिससे कि दूसरे को सीख मिले, दूसरे को एक। मैं उत्तर प्रदेश के एक बड़े मंत्री से बात किया, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैंने एक बड़े मंत्री से बात किया, उन्होंने कहा कि स्वामी जी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार के भी वो लोग व्यथित हैं, उनको भी लगता है कि ऐसे लोग परंपराओं को बिगाड़ रहे हैं, ऐसे लोग परंपराओं को खराब कर रहे हैं, ऐसे लोग जो इसमें से जो अच्छे लोग हैं उनका अपमान इनके द्वारा हो रहा है। आज कुछ एक दो दशक से साधुओं को योगी जी, मोदी जी या देश के बड़े जो आचार्य हैं इनके द्वारा कार्य करने के कारण आज साधुओं की एक अच्छी छवि दुनिया में बनी, नहीं तो कुछ दो तीन दशक पहले, एक दो दशक पूर्व से कुछ तथाकथित साधुओं ने हमारी परंपराओं को ऐसे खराब कर दिया था कि हमें साधु वेश में एयरपोर्ट पे, स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, बाजार में, कहीं कार्यक्रम में जाने में भय उत्पन्न होने लगा था, भय उत्पन्न हो रहा था। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को कदापि न बख्शा जाए न पूजा जाए, पूजा जाए जो उनके सेवक हैं वो निसंदेह गृहस्थ सेवक हैं, सदगृहस्थ हैं, छोटे किसान परिवार के लोग हैं, छोटे छोटे लोग हैं, लेकिन वो घर में पूजा पाठ करते हैं, वो घर में पूजा पाठ करते हैं, वो घर में भगवान को जानते हैं, वो घर में भगवान के प्रति उनका भाव रहता है, तो निसंदेह उनके मन में भी धर्म के प्रति आस्था होते हुए भी वो ग्रंथ को पढ़े, ग्रंथ को पढ़े कि साधु कौन है, साधु का वेश क्या है, साधु का वेश क्या है, साधु का स्वभाव क्या है, साधु का स्वभाव क्या है। कभी कोई ब्लैक चश्मा पहन के आ जाता है, कभी कोई पिक्चर बनाने के लिए देश में आ जाता है, कोई पिक्चर बनाने लगता है, कोई स्वयं को कृष्ण मान करके नृत्य करने लगता है, कोई स्वयं को ईश्वर मान करके लोगों को ब्रह्म ज्ञान देने लगता है, ब्रह्म ज्ञान देने लगता है। मुझे लगता है ये सब के सब मिथ्यावाद है और ये सब के सब विडंबना है। और देश को एकमात्र, जब विदेश में आप कहीं जाएं तो आप अमेरिका के किसी बड़े स्थान में जाएं तो वहाँ जो उनके मीडियम है, उन मीडियम में लगा हुआ है भारत के उन साधुओं का फोटो जो गांजा भांग चीलम पी रहे होते हैं, लेकिन भारत के आचार्यों की, भारत के शंकराचार्यों की, भारत के त्यागी संतों की तस्वीर वहाँ नहीं लगी हुई है। मेरा एक परसेप्शन देश में ऐसा गया है कि भारत में ऐसे कुछ लोग हैं जो स्वयं को अवतारी कहते हैं और उनकी पूजा हो रही है, उनके कार्यक्रम में 2000 लोग बुलाते हैं 10,000 आते हैं, 10,000 बुलाते हैं 50,000 आते हैं। मुझे लगता है कि जो ऐसे लोग हैं वो बहुरूपी है और इसके कारण सनातन को बहुत बड़ा ठेस पहुँच रहा है, सनातन को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, सनातन का नुकसान हो रहा है। इस परिस्थिति में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो जो साधु संत महात्मा अखाड़े हैं वो इस पर आवाज उठाते हैं, और अगर आवाज उठाते हैं तो किस स्तर पर आवाज उठाते हैं और किस स्तर की कार्रवाई होती है? बिल्कुल, मेरे जितने भी 13 के 13 अखाड़े के लोग हैं निसंदेह इसके विरोध में खड़े होंगे और इसके विपक्ष में खड़े होंगे, क्योंकि यह परंपरा का हानिकारक व्यक्ति है। और ये नहीं, इतने इस प्रकार के जितने भी लोग देश में हैं जो परंपराओं को, हमारे यहाँ क्या तिलक से, चोटी से, जटा से, बाल से, कपड़े से पहचान लिया जाता है कि किस पंथ का साधु है,
इस परंपरा का साधु है, इस अखाड़े का साधु है, किस मढ़ी का साधु है। तो इसीलिए सभी अखाड़ों के साधु और सभी अखाड़ों के जितने भी बड़े श्री महंत महंत हैं हमारे, वो सब इसकी कड़ी निंदा करते हैं और करेंगे। और ऐसे लोगों के खिलाफ जो भी कार्यवाही अखाड़ा परिषद के द्वारा हो सकता है, आचार्यों के द्वारा हो सकता है, सनातन परंपरा के जो अनुयायी हैं उनके द्वारा हो सकता है, उनको करना चाहिए और करेंगे। सर, एक बड़ा सवाल अभी हाल के दिनों में देश की पूरी सियासत में रहा, अयोध्या में बने राम मंदिर को लेकर। आप क्या सोचते हैं अयोध्या के बने राम मंदिर को लेकर के? अयोध्या में जिस तरीके से अलग अलग राजनेताओं ने, अलग अलग जो सियासी दल हैं उन्होंने उसको एक सियासी बात कही, और उसके बाद जो परिणाम आए अयोध्या के, वो बेहद चौंकाने वाले थे, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, चूंकि पूरे देश में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था या नैरेटिव सेट हुआ था कि अयोध्या में बना राम मंदिर सियासी रूप से बड़ा मुफीद होगा, लेकिन सियासी तौर पर उत्तर प्रदेश में अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। आपको क्या लगता है? आशीष जी, अयोध्या में चुनाव हारना मुझे लगता है ये बहुत बड़ा दुखद समाचार है, और सनातनियों के लिए खास कर, क्योंकि सबसे पहले काशी का रूप बहुत, उससे पहले राम जन्मभूमि शिला भूमि का पूजन हुआ। मैं उसमें नहीं जा पाया था, मेरा सावन चल रहा था, लेकिन उसके बाद जो काशी कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, फिर केदारनाथ में आदि जगत गुरु शंकराचार्य मूर्ति का अनावरण हुआ, उसके बाद उज्जैन महाकाल का लोकार्पण हुआ, उज्जैन महाकाल का सेकंड लोकार्पण हुआ, फेज टू का लोकार्पण हुआ, और पुनः राम लला की भव्य मंदिर का निर्माण होने के साथ साथ उनकी स्थापना हुई। मुझे लगता है आज उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन दोनों मंदिर आते हैं, काशी भी और अयोध्या भी। सरकार की रेवेन्यू मुझे नहीं लगता है कि 100 गुना से कम बढ़ा हो, 100 गुना से अधिक। यात्रियों का आवागमन 1000 गुना से अधिक बढ़ा काशी में और अयोध्या में। लाभ किसको होगा? अयोध्या वाले, लाभ किसको होगा? काशी वाले। ये संभव कब था? मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ जी, मैं ये बात स्पष्ट आपको बताना चाहता हूँ, मैं सनातनी हूँ, सनातन का पक्षधर, मैं किसी व्यक्तिगत व्यक्ति का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन जो कार्य अहिल्याबाई होलकर के द्वारा आज के 650 साल पहले हुआ था, वो कार्य 600 वर्षों के बाद यदि किसी के द्वारा हुआ तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और नरेंद्र मोदी जी को आज मुझे लगता है कि दुख का अनुभव करना पड़ रहा होगा, क्या मैंने क्या गलत कर दिया ताकि मैं 1.5 लाख वोटों से जीतना, 1.5 लाख वोट जीतने में क्या होता है लोकसभा में, या 20-20 लाख 22 लाख लोकसभा, पिछले बार 4-4.5 लाख से जीते थे, इस बार सबको लग रहा था कि 8-10 लाख से जीते, 1.5 लाख। अयोध्या में वो व्यक्ति हमारा जो बहुत ही मुझे लगता है, हो सकता है उनके कुछ बयान खराब आए हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ललू सिंह जी को तब से जानता हूँ जब वो पहली दूसरी बार एमएलए बने, लगभग 25 वर्ष हो गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।